नमस्कार, कैसे हैं? काफ़ी थक गए होंगे आप, हो अब तो हम चैनल में नहीं तो सब खुद ही करना पड़ता है। अरे मैं बांध लेता हूँ। आइए, तो आप संजय सिंह हैं और आपसे हम लोग बातचीत करेंगे। ये पुलिस की गाड़ी तिहाड़ वाली है कि ऐसे सांसद की सुरक्षा में? नहीं नहीं, ये यहाँ की अच्छा, यहाँ थाना है उसकी गाड़ी है। अच्छा, उसकी गाड़ी है। पता चला कि हम भी आप लोगों के साथ साथ चले गए। कोई बात नहीं। संजय जी, आप नमस्कार, कैसे हैं आप? बस सब बढ़िया है। आइए बातचीत करते हैं आपसे। तो बाहर जब अक्सर हम लोग जेल की बात होती है और जेल का खतरा आता है तो नेता कहता है कि हमें जेल से घबराहट नहीं है, देख लेंगे। तब तक तो वो जेल नहीं गया होता है। जब जेल जाता है तब फिर उसको क्या दिखता है? फिर अपना वो उस तरह का साहस याद आता है या कुछ पंचर हो जाता है कि नहीं, ये तो कुछ ज़्यादा भयानक है? देखिए रवीश जी, अगर जेल के बारे में आप आज ही नहीं, हाँ, पूरे इतिहास में भी उठा के देखेंगे तो कभी भी जेल की किसी ने सराहना नहीं की। वो चाहे गांधी जी हों, वो जेल के अंदर अधिकारों के लिए लड़ते रहे, चाहे भगत सिंह जी हों, जेल के अंदर अधिकारों के लिए लड़ते रहे। नेल्सन मंडेला जी का मैंने पूरा उनका जीवन पढ़ा, वो भी जेल में जब रहे तो लंबे समय तक तो जेल में अधिकारों के लिए लड़ते रहे। तो जेल में कुछ बातें, कुछ बुनियादी ज़रूरतें होती हैं जिसके लिए कई बार लड़ाई लड़नी पड़ती है। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि पहले जिस तरह की जेलें थीं या जेल को लेकर जो धारणा है लोगों के मन में कि वो चेकदार कुर्ता और पैजामा पहना के और टोपी पत्थर तोड़ते रहते हैं, वैसा नहीं है। कैंटीन होती है जेल में, कबूतर पंजा होता है जहाँ पे कि कबूतर हैं, खरगोश हैं, वहाँ म्यूजिक रूम है, विपसना के रूम है, मल्टीपल पर्पज हॉल है जहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट है। तो अब पहले की तुलना में काफ़ी सुधार। फिर भी एक नेता के तौर पे आप सांसद हैं, कुछ ह्यूमिलिएशन तो हुआ होगा कि ह्यूमिलिएशन का तो जो सवाल है वो तो आपको मैं क्या बताऊं कि मतलब जो मुझे तो जो सामान्य कैदियों के भी अधिकार थे उस पर 11 दिन तक बैन था पूरी तरीके से। मुझे एक कोठरी में रखा गया जिसकी निगरानी 24 घंटे होती थी और दो पुलिस वाले होते थे, वो 24 घंटे की ड्यूटी में और हर 15 मिनट पे 5 मिनट पे वो पूछते थे हाँ ठीक है, अंदर ठीक है, तो मुझे बोलना होता था ओके। कई बार सो रहा हूँ फिर भी बोलते थे तो उनको बताना होता था। और दो बार मुझे निकाला जाता था मेडिकल चेकअप के लिए जब कोर्ट का ऑर्डर था उसमें, तो उस समय अनाउंस होता था कि वार्ड नंबर 1, 2 और 3 के बंदी भाई अपने अपने वार्डों में चले जाएं और जेल बंद होती थी, कर्फ्यू के तरह माहौल होता था और तब मुझे लेके जाया जाता था। हॉस्पिटल में मेरा मेडिकल चेकअप होता था और फिर मैं अपने इस पूरे प्रोसेस में आप फील करते थे कि आप अब आप एक कैदी हैं? बिल्कुल, वो तो कैदी है ये तो एहसास दिलाया ही जाता है। और मेरे साथ तो उल्टा ये था कि जो सामान्य कैदियों के अधिकार हैं वो भी नहीं थे। मतलब 6 बजे जेल खुल जाती थी तो बाकी कैदी तो कहीं भी आ जा सकते थे, मेरे लिए वो इजाज़त नहीं थी। 12 से 3 जेल बंद होती थी, 3 बजे फिर जेल खुलती थी और 6-7 बजे तक बाकी कैदी कहीं भी आ जा सकते थे, मैं नहीं जा सकता। अच्छा। था तो 11 दिन के बाद मैं फिर सुपरिंटेंडेंट से मिला तो मैंने कहा कि भाई मुझे जो सामान्य कैदियों के अधिकार हैं वो तो मिलने चाहिए, वो तो मेरा अधिकार है। तो उन्होंने कहा कि मैं इस पे फिर ऊपर बात करूंगा, फिर जिससे भी उनकी बात हुई हो। फिर उन्होंने ये कहा कि भाई जो समय बाकियों के खुलने का है वो उस समय ये कहीं भी आ जा सकते हैं और इनके साथ सिपाही रहेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे क्षण आते हैं जब आपको कोर्ट में वो जो एक हवालात बनी होती है उसमें बैठाया जाता है, जब आपको ये अपराधियों की जो बैन है उसमें बैठाया जाता है और जाले लगे रहते हैं, चारों तरफ से अंधेरा होता है, पुलिस के जवान खड़े होते हैं वो लेके बंदूक, तो कई क्षण ऐसे आते हैं। लेकिन अच्छा ये रहा, मैं धन्यवाद दूंगा जो भी जेल के चाहे अधिकारी हों या दिल्ली पुलिस के जवान हों, किसी ने अपनी ओर से कोई जबरदस्ती या बदतमीजी की हो ऐसा मैं नहीं मानता। रहे होंगे, उनके ऊपर भी दबाव रहे होंगे।
मतलब उस अमानवीय क्षण में भी कुछ मानवीय पहलू थे आपके साथ साथ? बिल्कुल, मतलब वो ये कट जाएगा अगर ये उनके नाम लेके नहीं बता सकता, लेकिन बातचीत में कहते थे कि आपके साथ गलत हो रहा है और हमें दबाव में काम करना पड़ रहा है। तब भी घर वाले परेशान हो गए होंगे, क्योंकि PMLA मनी लॉन्ड्रिंग का कानून ऐसा है कि किसी को पता नहीं होता कि आप कब बाहर आएंगे। इसी केस में मनीष सिसोदिया 1 साल से जेल में है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये कानून ही ऐसा है जिसमें लंबे समय तक जेल में आपको रखा जा सकता है। लेकिन रवीश जी, 80% लोग अंडर ट्रायल हैं हिंदुस्तान की जेलों में। कोई 10 साल से अंडर ट्रायल है, कोई 5 साल से अंडर ट्रायल है, कोई 3 साल से अंडर ट्रायल है। विचाराधीन कैदी 10-10 साल से, सजा से ज़्यादा जेल रह गए वो, सजा से ज़्यादा जेल रह गए। तो जैसे मनीष सिसोदिया जी का या हम लोगों का केस तो सामने आ गया, बाकी तो ऐसे बहुत सारे लोग, जब आप जेल में जाएंगे तो असलियत पता चलेगी कि कितने लोग अंडर ट्रायल हैं लंबे लंबे समय से, उनकी तारीख पे तारीख ही पड़ रही है, 10-10 साल से जेल के अंदर हैं अंडर ट्रायल। तो आपने कहा किसी इंटरव्यू में, आप कह रहे थे कि आप जेल से चिट्ठियाँ लिखते थे, तो मनीष को कभी चिट्ठी लिखी है आपने या बंदी बंदी को पत्र नहीं लिख सकता है? नहीं, चिट्ठियाँ इस वाले हिस्से का तो मुझे ठीक से पता नहीं है, बंदी बंदी को चिट्ठी लिख सकता है नहीं लिख सकता है, लेकिन जेल से बाहर चिट्ठियाँ असीमित लिख सकता है और बाहर से चिट्ठियाँ उसको आ सकती हैं, लेकिन वो चिट्ठियाँ जेल प्रशासन पढ़ेगा और उसमें कोई आपत्तिजनक चीज़ होगी तो उसको काटेगा, ये प्रावधान होते हैं। और अगर कोई ऑफिशियल चिट्ठी आपको भेजनी है, जैसे मैंने भारत के उपराष्ट्रपति जी को पत्र लिखा जेल से, तो उसको जेल सुपरिंटेंडेंट अटेस्ट करता है और तब वो चिट्ठी जाती है। कोई गोपनीय चिट्ठी अगर आपको लिखनी है तो वो चिट्ठी सील्ड कवर में जाती है और आपकी चिट्ठी भी, जवाब भी आपका सील्ड कवर में जाता है, उसमें कई बार कोर्ट के आदेश लेने पड़ते हैं। संजय जी, पता है मैं शुरुआत में जेल के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि वातावरण ऐसा बन गया है कि जब जेल केजरीवाल गए, जेल मनीष सिसोदिया गए, जेल आप गए, तो जब भी सरकार इस तरह से किसी को जेल भेजती है तो हम जैसे लोगों के बीच भी फ़ोन आने लगते हैं कि आप ज़रा सतर्क रहिएगा, आपको भी जेल भेज दिया जाएगा। नहीं, मुझे तो लगता है ये सब चीज़ें कभी दिमाग में नहीं लानी चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग ऐसे डरते ही रहेंगे तो कब तक डरते रहेंगे? इसकी कोई तो लिमिट है, कभी तो हमें तय करना पड़ेगा ना कि भाई अब हो गया यार डरना बहुत। हाँ, ये मतलब कब तक आप डरते रहेंगे? इसी चीज़ का तो डर दिखा के पूरे देश पे अपना अत्याचार और जुल्म चला रहे हैं ये लोग। भाई, आपने एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को उठा के जेल में डाल दिया जिसके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है, अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। और ये बात मैं दावे के साथ इसलिए कह सकता हूँ कि आज जो कागज मैंने देखे, मुझे अपने केस के बारे में तो कोर्ट से मना ही है, बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो केजरीवाल जी का केस पूरा है वो तो बहुत हैरान करने वाला है। मतलब 162 गवाह ED के हैं, 294 गवाह CBI के हैं, दोनों ने मिला के 50,000 की पेज की चार्जशीट दाखिल की है। और कितने गवाह केजरीवाल जी के खिलाफ? 4 गवाह। कौन कौन है? मंगुट्टा रेड्डी, राघव रेड्डी, कई सौ गवाह रेड्डी, 4 गवाह, 456 गवाह में से 4 गवाह। उन 4 गवाहों की भी हकीकत सुन लीजिए, 4 गवाह है राघव रेड्डी, मंगुट्टा रेड्डी और शरद रेड्डी, और एक गवाह है सी अरविंद। ये 4 गवाह है, इनकी हकीकत सुन लीजिए आप। मंगुट्टा रेड्डी सांसद हैं, जिनकी तस्वीर भी मैंने आज प्रधानमंत्री जी के साथ दिखाई थी। मंगुट्टा रेड्डी के घर पे 16 सितंबर 2022 को छापा पड़ता है। उनसे पूछा जाता है, आप केजरीवाल से मुलाकात किए थे? बोले हाँ। बोले आप किस लिए मिले थे? बोले हमने अपने चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए जमीन से चाहिए थी, उसके लिए मुलाकात की थी। फिर 10 फरवरी को उनके बेटे राघव रेड्डी की गिरफ्तारी हो जाती है और 16 फरवरी और 16 जुलाई के बीच में राघव रेड्डी और मंगुट्टा रेड्डी के 10 बयान होते हैं रवीश जी, 10 बयान, जिसमें वो बार बार मना कर रहे होते हैं और कभी केजरीवाल का नाम नहीं लेते। अंतिम के बयानों में जैसे ही वो केजरीवाल का नाम लेते हैं, 16 जुलाई को केजरीवाल का नाम लेते हैं
18 जुलाई को राघव रेड्डी को जमानत मिल जाती है। तो ये सब संयोग नहीं है, आप कह रहे हैं ये संयोग नहीं है? और इससे भी ज्यादा बड़ी बात क्या है? इससे भी ज्यादा बड़ी बात जो आपके दर्शकों को जानना और इस देश के लोगों को जानना जरूरी है कि इसमें से पहले के सारे बयान छिपा लिए जाते हैं। आपको पता नहीं था? हमें तो पता ही नहीं था। छिपाने का मतलब हमें तो ये कह रहे हैं कि आप अरविंद केजरीवाल के वकील को पता ही नहीं था कि इस तरह के बयान में उनका नाम नहीं लिया गया। आप रवीश जी, हमारी बात और वकील की बात तो छोड़ दीजिए, अरविंद केजरीवाल जी की और वकील की बात तो दूर की है। कोर्ट को नहीं पता था? कोर्ट को पता नहीं? कोर्ट को भी नहीं पता था? तो कोर्ट ने कहा नहीं कि ये हमसे क्यों छिपाया गया? अब आ रहे हैं असल बात पे। जब चार्जशीट दाखिल हुई तो उन्होंने लिखा ये अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट और ये रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट, यानी वो कागजात जिस पे भरोसा नहीं है और वो कागजात जिस पे भरोसा है। तो किस पे भरोसा है? जिसमें नाम लिया। जिसमें नाम लिया तो 10 बयान में से 2 बयान पे आपको भरोसा है, 8 बयान पे भरोसा नहीं है। फिर एक 207 में कार्रवाई होती है। हमारे वकील ने अभी कुछ दिनों पहले कोर्ट में एप्लीकेशन दी कि भाई ये तो ठीक नहीं है भाई, कोई ईडी का दफ्तर कोई म्यूजियम तो है नहीं कि आपने वहां कागज इकट्ठा कर लिया सजाने के लिए रखा है? ईडी का दफ्तर है, जांच के जो कागजात है वो आप इकट्ठा कर रहे हैं किसी के भी खिलाफ उसको दोषी साबित करने के लिए ना। और दोषी कौन कहां साबित होगा? वो अदालत में। तो कागज आपको कहां रखना चाहिए? अदालत में। आपने उसको वहां छिपा के रखा है। कोर्ट ने कहा नहीं, आप इनको जांच कराइए, वकीलों को आरोपी का अधिकार है, उसके संबंध में जो भी आपने कागजात और दस्तावेज इकट्ठा किए हैं वो उनके वकीलों को दिखाइए। तब जाकर आपके वकीलों को पता अभी चला। कुछ दिनों पहले सर हमारे वकीलों ने जाके देखा, केजरीवाल जी के वकीलों ने जाके देखा कि क्या क्या बयान मंगुंटा रेड्डी और राघव रेड्डी ने दिया है पहले और बाद में और किस दिन उसको बेल मिली। ये हो गए ये 2 पात्र। अब आ जाते हैं तीसरे पात्र पे, शरद रेड्डी, जिसको खुद ईडी ने किंग पिन बताया। ईडी ने कहा ये किंग पिन है, यही मुख्य घोटालेबाज है। तो उसकी गिरफ्तारी कब होती है? 9 नवंबर को उसके घर पे छापा मार दिया 2022 में। 10 नवंबर उससे पूछताछ की, उसने केजरीवाल का नाम नहीं लिया। 10 नवंबर को उसकी गिरफ्तारी हो जाती है और जैसे ही उसकी गिरफ्तारी होती है उसके बाद 10 नवंबर से लेकर 25 अप्रैल तक की तारीखें बहुत महत्वपूर्ण है। 10 नवंबर को किंग पिन ईडी के हिसाब से, जांच एजेंसी के हिसाब से जो किंग पिन है वो 15 नवंबर को 5 करोड़ की पेशगी और नजराने की रिश्वत इलेक्टोरल घोटाले के रूप में बीजेपी को दे रहा है। और अपनी गिरफ्तारी के दौरान और उसके बाद 55 करोड़ रुपए उसने दिए। तो शराब घोटाला तो बीजेपी ने किया है, ये बीजेपी का शराब घोटाला है। पर वित्त मंत्री कह रही हैं कि किसी ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा ये साबित नहीं है कि वो रिश्वत के बदले है या रिश्वत के रूप में है। अब रवीश जी ये तो कोई भी सामान्य आदमी भी समझ सकता है कि एक आरोपी जो ईडी के कब्जे में है, जिसको ईडी किंग पिन बता रही है और अपने गिरफ्तारी के 5 दिन के बाद वो 5 करोड़ की पहली पेशगी देता है, फिर अलग अलग किस्तों में 55 करोड़ रुपए देता है, क्या उसके खाते नहीं सीज होने चाहिए थे रवीश जी? एक आरोपी जो आपकी कस्टडी में है उसके खाते क्यों नहीं सीज हुए? मनीष सिसोदिया के खाते सीज हैं, आपको पता है? उनका सारा बैंक अकाउंट फ्रीज है। उनके कुछ बैंक अकाउंट छोड़ के कुछ बैंक अकाउंट उन्होंने फ्रीज किया। उनकी प्रॉपर्टी जो इस घोटाले, तथाकथित घोटाले की शुरुआत के पहले जब वो न्यूज़ एंकर के रूप में काम करते थे उस समय की जो खरीदी हुई थी जो फ्लैट था उसको तक को अटैच किया है। तो आप देखिए कि जो शरद रेड्डी है वो ईडी की कस्टडी में है और उसके बैंक अकाउंट से 55 करोड़ रुपए जा रहा है और ईडी को पता नहीं, बीजेपी को चला जा रहा है। हो सकता और अगर इसको वित्त मंत्री जी डिफेंड करेंगी तो कैसे करेंगी भगवान जानता है। हालांकि बीजेपी किसी को भी डिफेंड कर सकती है, वो चाहे अजीत पवार हो, छगन भुजबल हो, हसन मुशरीफ हो। तो आप आंध्र प्रदेश जाएंगे श्रीनिवास रेड्डी के खिलाफ कैंपेन करने? हेमंत विश्व शर्मा, वो तो फोटो मैंने आज दिखाई थी, आपको भी दिखा देता हूँ। अब तो
वही जो मैंने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी, वही पर आप जाएंगे आंध्र प्रदेश में श्रीनिवासुलु रेड्डी के खिलाफ कैंपेन करने के लिए। अब वो इंडिया गठबंधन के जो कैंडिडेट बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे। पर आप जमानत की शर्तों के हिसाब से आप दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते। बता के जा सकते हैं और हमारी किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी पर रोक नहीं है, कोई रोक नहीं, नहीं हमारी किसी भी राजनीतिक गतिविधि पर रोक नहीं है। और मैं मुझे आईओ को बताना होगा तो मैं बता के जा सकता। पर संजय हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो बात आप गवाहों की कर रहे हैं कि 10 बयान 7 बयान 6 बयान जिसमें अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया जाता है, ये सब आप लोगों को अभी पता चला है इसलिए अभी आप कह रहे हैं, क्योंकि पिछले 1 साल में 2 साल से जब हम लोग केस दो साल से तो गिरफ्तारियां ये सब बातें नहीं आ रही थी, दो साल से गिरफ्तारियां और जांच ही चल रही थी। जब हमने उनसे छिपाए गए कागज मांगे कि भाई आपने कौन सी चीज ऐसी रखी है जो अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट में है, जब उस पे उन्होंने उस जांच उन्होंने कहा अभी वो कागज भी मिले नहीं, उसकी जांच करने के ही सिर्फ आदेश मिले हमारे वकीलों को। पर तो ईडी जब के वकील कोर्ट में, आप बात पूरी कर लीजिए, तो जब हमारे वकील गए तो उन्होंने देखा ये बयान है। ईडी के वकील हाई कोर्ट में कह रहे थे कि किसी भी गवाह से कई चरणों में पूछताछ होती है ताकि वो बयान को चेक क्रॉस चेक किया जाए तब जाके असली बयान वापस आता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि 9 बयान में पहले नाम नहीं लेता और 10वें में नाम लेता है। सेक्शन 50 में जिससे भी पूछताछ होती है तो उससे पूछिएगा, किसी से भी या किसी वकील से पूछिएगा, मुझे तो ये कहा गया मैं अपने केस के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं बोल सकता, लेकिन ईडी का अधिकारी किसी भी व्यक्ति से अगर सेक्शन 50 में बयान लेता है तो कहता है देखो भाई सेक्शन 50 का बयान है, अगर कुछ भी गलत बोलोगे तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा, तो उसमें तो गलत बयान दे ही नहीं सकता। राजू साहब तो इस बात को जानते हैं, कैसे वो बोल रहे हैं इस बात को, आप सेक्शन 50 में गलत बयान नहीं दे सकते हैं। तो ये पहलू है इसका कि जो आप कह रहे हैं कि 9 बयान में या 6 बयान में वो नाम नहीं लेता है, सेक्शन 50 कहता है कि आप कोई भी बयान दे गलत नहीं बोल सकते। आप अगर आप गलत बयान देंगे सेक्शन 50 में तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन वो आदमी अप्रूवर बन जाता है, एक तरह से माफी मिल जाती है उसको, वो अप्रूवर बन जाता है, उसको बेल मिल जाती है, और वो चुनाव प्रचार कर रहा है अपने पिता के साथ लगा के फोटो। पर ये सारे लोग आप लोगों के आसपास कैसे आ गए? ये मंगुट्टा रेड्डी जो है ये बाकायदा जो है फोटो लगा के मोदी जी की प्रचार कर रहा है, वोट मांग रहा है 2024 के। पर ये सारे लोग आपके आसपास कैसे आ गए? तेलंगाना का कोई सांसद है वो मुख्यमंत्री केजरीवाल के पास टाइम लेके आ गया, जो अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि भाई समय नहीं था, वो एक छोटी सी मुलाकात हुई जिसमें वो समय तो उसने बाकायदा चिट्ठी लिख के समय मांगा और जब उसको समय दिया गया तो उस समय के दौरान जो बातचीत हुई उसको उसने शुरुआती बयान में वही बात उसने भी कहा, वही बात सच भी है। लेकिन बाद के बयानों में जब 5 महीने उसके बेटे को जेल में रख दिया तो टूट गया वो, 6 महीने शरद रेड्डी को जेल में रख दिया तो टूट गया। पर आप लोग भी पैनिक में नहीं आए, जब शराब नीति को लेकर जब आलोचना हुई तो वापस भी ले लिया आप लोगों ने, पुरानी नीति बहाल कर दी, तो इससे एक मैसेज गया कि शायद नई नीति में कुछ गड़बड़ी थी तो पुरानी नीतियों को वापस अब यही नीति पंजाब में है, वहाँ इसी नीति से मुनाफा हो रहा है, अभी भी यही इसी प्रकार की नीति पंजाब में है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इन्होंने कहीं दुकान ही नहीं खुलने दी, मतलब जो ये फैलाया जाता ना गली मोहल्ले में गली गली में शराब के ठेके, मैं आपसे जिम्मेदारी से कह रहा हूँ और आप इसको चाहे चेक करा लीजिएगा, चाहे भाजपा वाला भी कोई चेक करा ले, जो पॉलिसी के पहले ठेकों की संख्या थी उन ठेकों की संख्या में बढ़ोतरी तो क्या घटोतरी हुई। अच्छा, ठेके बढ़े नहीं दिल्ली में, घटे। तो मेरा ये कहना है कि ये पूरा जो शराब घोटाला है ये ईडी की जांच शुरू होने के बाद शुरू होता है, और वो घोटाला सीधे तौर पे अब तो मनी ट्रेल है, 55 करोड़ रुपए बीजेपी वालों को मिला है। कितने बीजेपी के नेताओं से पूछताछ हुई? आप यकीन कर सकते हैं कि 55 करोड़ रुपए किसी पार्टी में आएगा और उसके शीर्ष नेतृत्व को पता नहीं चलेगा? क्या आप भरोसा कर सकते हैं रवीश जी इसको, या इस देश का मैं कोई तो नहीं कर सकता। सामान्य व्यक्ति इस बात को खुद ही अपने कार्यक्रम में क्वेश्चन कर रहा हूं कि किसी कंपनी ने 55 ईडी का रेट पड़ रहा है, वो कंपनी बीजेपी को ही चंदा दे रही है, ये थोड़ा विचित्र है। मतलब और अकेले ये तो खैर मान लीजिए शराब भले ही वो कंपनी किसी और पार्टी को दे रही है, पर इससे ये एक्सक्यूज पूरा नहीं हो सकता है। ये तो
सीक्वेंस है ना पूरा रवि जी, 3.8 लाख करोड़ के ठेके उन कंपनियों को मिले जिन्होंने बीजेपी को चंदा दिया। ये तो सर्वविदित सत्य है आज की तारीख में कि जिन पे ईडी और सीबीआई के छापे चले उन्होंने बीजेपी को चंदा दिया। ये तो अब ओपन हो चुका है ना, अब इसमें किसमें इसमें कोई बहस की तो गुंजाइश नहीं बची। और उसके लिए तो धन्यवाद देना पड़ेगा देश के मुख्य न्यायाधीश को कि उनके आदेश के बाद, 5 जजों के आदेश के बाद ये पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला सामने आया। तो नहीं तो आप लोग भी अंधेरे में रहते, आपके पास भी तर्क नहीं थे इसको काउंटर करने के लिए। नहीं थे तब हम कहते कि जांच हो रही है, या आज हम नहीं बोल पाते आपके सामने, या जो ये अभी जो 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 बयान छिपाया था अगर हमारे के, हाँ जो गवाहों के बयान छिपे हुए थे ये बयान। आप जेल से बाहर आए तो आप बहुत तैयार स्पीच के साथ भाषण दे रहे थे, तो लिख कर लाए थे क्या वहाँ? एकदम, मैं तो कभी लिख के भाषण देता ही नहीं, आप जानते ही हैं, कभी कोई पॉइंट वैसे लिख लिया। गुस्से में गरज रहे थे आप? जब मैं जेल से निकला तो ये आप कह सकते हैं कि 6 महीने की वो जो जेल की यात्रा रही उस दौरान हर दिन कुछ ना कुछ सोचता रहता था। और जैसे इतनी सारी किताबें पढ़ने का जो मौका मिला, शायद 6 साल में भी नहीं पढ़ पाता मैं, तो उन लोगों को पढ़ने के बाद भी एक मन में अलग तरह से उत्साह, एक अलग तरह से ऊर्जा बढ़ती रहती थी। और वहाँ पे फ़ोन भी नहीं था, दिन में सोने के लिए भी मिल जाता था, तो एक पूरा सोचने का, आत्मचिंतन करने का मौका मिला। और ये लगा कि ये जेल से, मुकदमों से, लाठियों से, इन चीज़ों से डर के हम लोग कब तक दबते रहेंगे? कुछ तो सीमा होगी, और अगर ऐसे ही हम लोग डरते रहेंगे तो ये तो पूरे देश की सरकारों को ही ख़त्म कर देंगे विपक्ष के। तो मैंने ये सोच ही लिया था, अंदर ही सोच लिया था कि निकलने का जब भी मौका मिलेगा 4 गुना ज़्यादा मजबूती से प्रहार करेंगे और इनकी सच्चाई को सामने लाएंगे। और जिस दिन मैंने जेल से बाहर कदम रखा, मैंने पलट के उस गेट को देखा, फिर आसमान को देखा, और फिर 300 कदम जो तय किया बाहर आने तक में, उस दौरान मैंने सोच लिया कि अब निकल के पहला काम यही करना है। क्योंकि ये हम बता दें कि ये छोटा ट्रैक्टर है और ये नॉर्थ एवेन्यू है, सांसदों के घर का इलाका है, राष्ट्रपति भवन है, तो यहाँ घास की कटाई और पत्तों की सफाई छटाई चलते रहती है, तो उसी की आवाज़ है जी। हाँ तो जो वो 300 कदम तय किया, तो मैंने उस समय ये फैसला कर लिया कि नहीं, बाहर निकल के और जो इनका पूरा सच है और तेवर और मजबूती के साथ इनसे लड़ना है। कहीं भी ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि इनसे हम लोग डर गए या झुक गए। क्योंकि एक दिन पहले मैं, क्योंकि टीवी तो वहाँ थी और चैनल भी दिखते थे समाचारों के, तो मैंने देखा कि कुछ उसमें जबरदस्ती की एंगल खोज खोज के, हाँ कि किसी मास्टर स्ट्रोक की कृपा के तहत आप बाहर आए हैं, उसमें कोई आम आदमी पार्टी में बगावत करने वाले हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह बना के और बिंदी लगा के और ऐसी खबरें चला रहे थे। मैंने कहा ठीक है, कल ही का मौका है, अच्छा है कि आज मैं देख ले रहा हूँ इस चीज को। तो आप मेरे अपने भाषण में उन आशंकाओं और अफवाहों को तुरंत पूर्ण विराम लगाया मैंने, और सीधे जेल से निकलने के बाद अरविंद जी के घर पे गया, वहाँ पे सुनीता भाभी से मुलाकात किया, और उसके बाद फिर मनीष जी के घर गया, पार्टी ऑफिस आया, तो सारी चीज़ें जो थी उसको सामने रखा। और ये हकीकत है कि संजय आपको थोड़ा तो कैसे एहसास हुआ होगा, इसको महसूस कर पाए होंगे कि ये सरकार कहाँ तक जा सकती है? बहुत बुरे हद तक जा सकती है, मतलब जिसकी आप कल्पना भी नहीं करेंगे वहाँ तक जा सकती है। बहुत बुरे हालात हैं, मतलब क्या बताएं आप, बहुत बुरा लग रहा था जब मैं टीवी में देख रहा था कि कैसे जो है अचानक 6:50 पे ये घोटाला सामने आता है और 7:14 पे ईडी पहुंच जाती है, और 2.5 घंटे की पूछताछ के बाद केजरीवाल जी को पकड़ के वैन में बिठा के और लेके चले गए। अंदर से लग रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है, देश की राजधानी दिल्ली में जो 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, प्रचंड बहुमत से चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, बिजली पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, ये तो डाटा कहता है ना खुलेआम कि हमने कितना अच्छा काम दिल्ली के लिए किया, बावजूद इसके आप उसी सरकार के पीछे पड़े हुए हैं। 1 साल से मणिपुर जल रहा है, एक कारगिल के फौजी की पत्नी को निवस्त करके घुमाया गया, उसको मुख्यमंत्री को आप कंधे पर बिठा के माला पहना के घूम रहे हैं, मणिपुर में इस्तीफा नहीं चाहिए।
हमारी पहलवान बेटियों को घसीट घसीट के पीटा गया, उनको न्याय नहीं चाहिए? देश के गृह राज्य मंत्री का बेटा किसानों को कुचलते हुए पूरे देश ने देखा, वो देश के गृह राज्य मंत्री रहेंगे? और केजरीवाल को फर्जी मामले में गिरफ्तार करो और उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। पर यही तो कहा जा रहा है कि आप लोग भी मांग करते थे कि जब इस आरोप लगते थे तो इस्तीफा दे दीजिए, तो आपको भी देना चाहिए जब आरोप लगे। तो ये तो एक आरोप तो हमेशा ही फर्जी होते हैं और असली भी हो सकते। उस समय हमें नहीं पता था कि एक अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने के लिए ऐसी साजिश करके केस बनाने वाली सरकार आएगी। पहले एक मुख्यमंत्री को किया, फिर दूसरे मुख्यमंत्री को किया, कल को भगवंत मान को कर लेंगे फर्जी मुकदमा करके, ममता बनर्जी को, सिद्धारमैया को, रेवंत रेड्डी को, और स्टालिन को, विजयन को, ये तो सबको पकड़ के अंदर कर देंगे। दो फर्जी मुकदमा ही तो लिखना है रवि जी, और क्या करना है? अरेस्ट करके जेल। और देखिए ये जो बात है कि भाई कानून सबके लिए बराबर है, ठीक है, तो फिर कानून तो प्रधानमंत्री जी के लिए भी बराबर है, तो चार दरोगा पहुंच के पंजाब से उनसे पूछताछ करने लगेगा। तो इसलिए मैं समझता हूं कि पर क्या हेमंत सोरेन ने गलत किया इस्तीफा देके? मैं समझता हूं कि आज के समय की जो चुनौतियां हैं, हो सकता है उसका अंदाजा उनको नहीं लग पाया होगा, लेकिन आज की समय की जो चुनौतियां हैं, इस हिसाब से अगर हम लोग इस्तीफा देते रहेंगे तो इनके लिए रास्ता आसान होगा, इनका मन बढ़ेगा। इनको तो लगेगा ठीक है, ये तो अच्छा तरीका है, चार फर्जी मुकदमा लिखो, गिरफ्तार करके जेल में डालो, और जब भाई मुख्यमंत्री जेल में चला गया तो पार्टी तोड़ने में आसानी। तो हेमंत सोरेन को भी जेल जाना चाहिए था बिना इस्तीफा दिए हुए? जाना चाहिए था, और आगे भी अगर ये लोग करते हैं तो मैं तो ये कहूँगा कि नहीं देना चाहिए, लड़ना चाहिए इनसे। तो फिर मनीष सिसोदिया ने क्यों इस्तीफा दिया? अब ये बढ़िया सवाल आपने पूछा। देखिए क्या है कि आज की तारीख में मुख्यमंत्री के तौर पर सरकारी विभागों को मॉनिटर करना, देखना, ये केजरीवाल जी शुरू से करते रहे, लेकिन विभाग मुख्यमंत्री के पास, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो, कोई विभाग उनके पास नहीं है। मनीष सिसोदिया जी के पास एक व्यवहारिक, उस समय जो कई सारे विभाग थे, और आतिशी जी चूँकि उनके साथ काम की हुई थी, उनको अनुभव भी था, और उस काम को आगे अच्छा बढ़ा रही हैं। तो ये अरविंद जी के केस में मैं समझता हूं कि जो उनके दिशा निर्देश पर मंत्रियों के काम करने का जो सिलसिला है वो नहीं रुकेगा, वो नहीं रुकेगा, और ज़रूरत नहीं है इसलिए कि उनके पास पोर्टफोलियो नहीं, पोर्टफोलियो नहीं है। दूसरी चीज़ मैं और भी आगे बढ़ के अगर कहूं तो इसी जेल में सुब्रतो राय सहारा को इंटरनेट, फ़ोन, ऑफिस, मीटिंग करने का अधिकार, और मीटिंग करने वालों की गाड़ियाँ अंदर जाने का, यहाँ तक का अधिकार कोर्ट से ऑर्डर मिला था। चंद्रा ब्रदर्स के मामले में भी ऐसा ही था कि उनको भी ऑफिस का इंतजाम मिला था। तो हमेशा तो जेल में रहेंगे नहीं केजरीवाल जी, बेल से बाहर भी आएंगे, जब तक वो हैं ये सुविधा भी उनको दी जा सकती है मीटिंग करने। पर क्या आपको लगने लगा है कि जिस तरह से आप 6 महीने रहे, मनीष सिसोदिया 1 साल रहे, उनका भी टर्म जेल में लंबा हो सकता है? मुझे अब ऐसा नहीं लगता, क्योंकि बहुत सारा सच सामने आ रहा है, और बहुत सारे कागजात, ये जो मैंने आपको बताया 207 की कार्रवाई के तहत जांच करने का जो अधिकार है उसके तहत बहुत सारे सच सामने आ रहे हैं, और माननीय न्यायालय को इसका संज्ञान लेना चाहिए। पर बार बार ये बात आ रही थी कि क्या आम आदमी पार्टी इस पूरे संकट में किस तरह की नैतिकता, फोटो बाद में खिंचा लेंगे, नमस्ते, अभी इंटरव्यू चल रहा है, तो किस तरह की नैतिकता कायम करना चाहती है? और सवाल वहीं लौट कर आता है कि केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। देखिए नैतिकता का सवाल कहाँ है रवीश जी, आप मुझे बताइए। देश का प्रधानमंत्री भोपाल की रैली में कहता है 70,000 करोड़ का घोटाला किया है अजीत पवार ने, और ठीक दूसरे दिन वो बीजेपी में शामिल हो जाता है, और वित्त मंत्रालय उसके जिम्मे हो जाता है, और केसों से बरी होना शुरू हो जाता है। दाऊद इब्राहिम से प्रफुल्ल पटेल के रिश्ते जोड़ रहे थे लोग, इकबाल मिर्ची और पता नहीं क्या क्या, हसन मुशरिफ बहुत बड़ा 100 करोड़ का घोटालेबाज था, चीनी मिल का घोटालेबाज, 800 करोड़ का महाराष्ट्र सदन का घोटाला लगा रहे थे छगन भुजबल पे, जमीनों के घोटाले का आरोप लगा रहे थे राणे के ऊपर, जनार्दन रेड्डी पे तो माइनिंग के 1,000 करोड़ के घोटाले के आरोप,
वाटर घोटाले का आरोप हेमंत विश्व शर्मा पे, शुभेंदु अधिकारी और मुकुल राय पे शारदा नारदा स्कैम। तो मोदी जी तो भ्रष्टाचारियों को गले लगा रहे हैं, और मैंने तो नारा दिया है बीजेपी वालों के लिए कि जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। ये आप लिख रहे थे क्या जेल में? हाँ, सब बना बना भी रहे थे, क्योंकि अब और ये सबसे ज़्यादा दुख की बात तो बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए है, वो बेचारे नारा लगाते घूमते रहते हैं आदर्श घोटाला, पता चला वो बीजेपी में शामिल हो गया। कभी ऐसा संयोग हुआ कि आप मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन कोर्ट के प्रोसेस में या किसी और प्रोसेस में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं? नहीं, कोर्ट के प्रोसेस में जब भी मनीष जी आते हैं तो वहाँ पर मुलाकात होती है, जब कटघरे में हम दोनों लोग साथ ही खड़े होते हैं तो कई बार हो ऐसा मौका आता है कि हाँ, आप दोनों साथ में होते हैं। बस उसी समय जब कोर्ट की कार्रवाई होती है उसी समय मिलते हैं। तो आपको लगता है कि आप मनीष के केस पे तो बात कर सकते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल, कि मनीष जी के, अरविंद जी के और बाकी भी जो ये लोग हैं इस पर बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें अपने केस पर कुछ नहीं बोलना है। बस आप अपने केस पर नहीं बोल सकते, पर उनके केस में भी तो यही सब आरोप होगा जो आप पर लगा है, कि जो आपके केस में कोर्ट ने कहा था, ये तो मीडिया में हमने भी रिपोर्ट किया है कि दो मनी ट्रेल कहाँ है और फिर जमानत मिलती है। तो आप मनी ट्रेल का सवाल तो अरविंद केजरीवाल के केस में भी है, मनी ट्रेल कहाँ है? कोई रुपया बरामद किया? एक रुपया बरामद किया आपने? पर ईडी के वकील ने कहा पैसा खर्चा हो गया इसका मतलब ही नहीं। मैंने सुन लीजिए सर, अरविंद जी के घर पे एक रुपये बरामद किया आपने, मनीष सिसोदिया के घर पे किया, उनके तो गांव भी गए, बैंक लॉकर सब चेक कर लिया आपने, कुछ मिला आपको? कोई बरामदगी हुई? कोई संपत्ति मिली? पैसा कहाँ चला गया? आसमान में चला गया? जमीन ने निगल लिया? कहाँ चला गया पैसा? भ्रष्टाचार हुआ तो पैसा कहाँ गया? तो हम बाहर से भीतर इसलिए आ गए कि मधुमक्खियाँ हम दोनों पे मेहरबान हो गए। तो चलिए, कुछ तकलीफ जेल के बाहर भी होनी चाहिए। हम ये अब हम बातचीत को ख़त्म भी करना चाहते हैं, पर आपने मोटा मोटी ये बात बताई कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल के मामले में गवाह जो नाम लिए गए उनकी गिरफ्तारी को आप लोग पब्लिक में चैलेंज कर रहे हैं, कोर्ट में अब सुनवाई होगी, जैसा होगा। हम ये जानना चाहते हैं कि इस वक्त आम आदमी पार्टी किस स्टेज में है, जिस तरह से शिवसेना का हाल हुआ, उद्धव ठाकरे के रहते शिवसेना ख़त्म हो गई, उसके दो फाड़ हो गए, शरद पवार जैसे इतने अनुभवी नेता के रहते हुए भी एनसीपी के दो फाड़ हो गए, सिंबल चला गया। क्या आप अपनी पार्टी के लिए इस तरह का संकट देख रहे हैं? क्योंकि आपके मुख्यमंत्री जेल में हैं, दो दो सीनियर मिनिस्टर जेल में हैं, आप भी जेल में रह के 6 महीने तक आए हैं, पता नहीं अब कौन और मिनिस्टर जेल में जा सकता है। देखिए, संकट से तो बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसके लिए अब आपको सोचना होगा कि आपको वो पटका पहन के इनके सामने इनके गुलाम की तरह इनके साथ शामिल हो जाना है, या फिर डट के इनके खिलाफ आवाज़ उठानी है। ये तो आपको तय करना पड़ेगा, किस तरह के राजनीतिक व्यक्ति के रूप में आप अपने आप को चाहते हैं कि आपको याद किया जाए। क्योंकि देखिए, ये इतिहास के पन्नों में कहीं ना कहीं दर्ज होगा। अगर आप झुक गए इनके आगे तो आपको एक कायर के रूप में याद किया जाएगा, और अगर आप बहादुरी से लड़ते रहे तो आपको बहादुर के रूप में। तो ये अब मैं तो सभी विपक्षी पार्टियों से कहना चाहता हूँ कि थोड़ा हौसला रखिए, इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है कि 4 ठो मुकदमा हो गया तो आप तुरंत जो है मोदी जिंदाबाद करने लगे, इससे कोई तो समस्या ही हो रही है कि उनके जो मेन लीडर हैं उनको उठा के जेल में बंद कर दिया जा रहा है, पीछे पार्टी को तोड़ना या फिर मैनिपुलेट करना आसान हो जा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ ऊपर की लीडरशिप और नीचे की लीडरशिप दोनों को तैयार रहना चाहिए, दोनों को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि भाई अगर मान लीजिए एक परिस्थिति आपके सामने आई है तो उससे लड़िए आप। अच्छा, आप बीजेपी में शामिल हो जाएंगे तो आपका क्या भला हो जाएगा? आप जाके वहाँ पे
आप एविएशन मिनिस्टर बन सकते हैं ज्योतिरादित्य की तरह। मैं ये कहता हूँ 14 पूर्व मुख्यमंत्री गए वहां पे, तो आप एक पार्टी में थे तो वहां मुख्यमंत्री थे ना भाई, पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पे गए तो आपको कहीं राज्यसभा पकड़ा दी गई, कहीं कुछ पकड़ा दिया गया। आप जैसे सिंधिया साहब की बात कर रहे हैं तो वो तो मुख्यमंत्री की लड़ाई में थे ना मध्य प्रदेश में, कि आज नहीं तो कल वो मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी में बन सकते हैं। उनके पिताजी रहे कांग्रेस में लंबे समय तक, रेल मंत्री रहे, वो कई मंत्री के पद पर, या जितने भी नेता गए। पर जब आप एक राज्य के मुख्यमंत्री ही बन गए एक पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, उसके बाद आपको मतलब क्या और चाहिए उससे ज़्यादा? फिर दोबारा उस पार्टी में रहोगे तो दोबारा जब भी वो सरकार आएगी तो हो सकता है तुम्हारे लिए मुख्यमंत्री बनने का चांस हो। पर जो माहौल है, शामिल जो करके 10 साल, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड है, उससे देखकर आपसे जो कई विधायक अभी मिलने आए, तो मुझे भी देखकर लगा कि शायद इन्हीं में से कोई 2-4 फिर बदल के बीजेपी में चला जाएगा, पार्टी टूट जाएगी, क्योंकि ये टूटते हुए देखा गया। तृणमूल में भी गए हैं लोग, शिवसेना में भी गए हैं लोग। हाँ, तो जिन पे ईडी सीबीआई के छापे शुरू होते हैं वो अगर शामिल हो जाते हैं तो बंद हो जाते हैं। तपस राय का भी उदाहरण है। पर आप कह रहे हैं कि विपक्ष को डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। 2-4-6 महीने की जेल अगर आपको मिलती है तो लड़ने के लिए तैयार रहिए। कितना डर हो गए भाई, हिटलर की भी जो सभा में एक आदमी की फोटो हम लोग देखते हैं ना, कि वो सबने हाथ उठाया, उसने हाथ नहीं उठाया ना, देखते हैं ना हम लोग। आज भी वही फोटो चलती है, जिन्होंने हाथ उठाया उनकी तो फोटो नहीं चलती ना। जो हिटलर के समर्थन में उसके आगे झुक के नमन करते हुए हाथ उठाते थे उनकी फोटो नहीं चलती ना। उसी एक आदमी की चलती है जिसने हिटलर के आगे हाथ नहीं उठाया। जेल में आपने हिटलर से संबंधित किताबें पढ़ी? नहीं, हिटलर से संबंधित नहीं पढ़ी। एक किताब मुझे भेटी, केवल लड़का वो खड़ा भी है प्रिंस, हाँ। इसने भेजा था हिटलर की तानाशाही, लेकिन वो समय नहीं मिल पाया, मैं नहीं पढ़ पाया उस किताब को। तो किस तरह की किताबें थी, मतलब लोकतांत्रिक अधिकारों वाली किताब? ज़्यादातर वही थी। ज़्यादातर आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी हुई किताबें थी, जैसे नेल्सन मंडेला जी का पूरा इतिहास बहुत विस्तार से पढ़ने को मिला और बहुत प्रेरणा मिली उनसे कि एक आदमी इतने लंबे समय तक जेल में रह के भी नहीं टूटा। उनके सामने भी बहुत समय ऐसे प्रस्ताव आए। तो आप ये तय करके बैठे थे कि आप नहीं टूटेंगे, चाहे 6 साल ही, चाहे 2 साल हो, कुछ भी नहीं, सवाल ही नहीं है, टूटने का तो प्रश्न ही नहीं है। रवीश जी, अपने घर वालों से मैं बात करता था, 15 मिनट हंसाता था। मेरे घर वालों को यह पूछने की इजाजत नहीं थी कि तुम कैसे हो, क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग होती थी। मैं नहीं चाहता था कि ये रिकॉर्डिंग अगर हमारे ऊपर बैठे हुए लोग देखें तो उनके मन में ये जाए कि संजय सिंह का मनोबल गिर रहा है या उनका परिवार टूट रहा है। मैं कहता था ये मत पूछो कि मैं कैसा हूँ, ये पूछो कि जेल में लोग कैसे हैं। हमारे परिवार को ये भी पूछने की इजाज़त नहीं थी, ये भी पूछने की इजाज़त नहीं थी। तो परिवार ने भी बहुत सैक्रिफाइस किया, लड़ रहे हैं सब। मैंने तो उस जेल की यात्रा में जो किताब पढ़ी, शहीद आजम भगत सिंह पर, भगत सिंह और क्रांति का साक्ष्य, उसमें एक जिक्र है किताब में घटना का, कि भगवती चरण बोरा जी की शहादत हो जाती है जब वो बम का टेस्ट करने के लिए जाते हैं, दुर्गा भाभी के पति हैं वो, और उनकी 3 साल का छोटा बच्चा है सची, और दुर्गा भाभी को शहीद आजम भगत सिंह के साथ पत्नी बन के उनकी वेश बदल के, वो एक अंग्रेज अफसर का कोट और उस तरह का वेश पहन के, और दुर्गा भाभी उनकी पत्नी बन के उस बच्चे के साथ उनको जाना है कलकत्ता, उनको छोड़ने के लिए, भगत सिंह जी को छोड़ने के लिए इस बात की योजना बनती है। तो भगत सिंह भावुक हो जाते हैं, कहते हैं आपके पति नहीं है, उनकी तो शहादत हो चुकी है, और ये जो काम आप करने जा रही हैं दुर्गा भाभी, ये इसमें बहुत खतरा है, आपकी मृत्यु हो सकती है, और ये आपका जो छोटा बच्चा है ना, ये सची, इसकी भी मृत्यु हो सकती है। तो दुर्गा भाभी ने पलट के जवाब दिया कि भगत सिंह तू भी तो किसी का बेटा है, ऐसे लोगों ने हिंदुस्तान के लिए लड़ाई लड़ी। पर उस हिंदुस्तान में प्रफुल्ल पटेल भी तो है ना? हाँ तो है, तो प्रफुल्ल पटेल अपने रूप में याद किए जाएंगे, भगत सिंह
सदियों सदियों तक याद किए जाएंगे। तो आप ये एक स्पष्टता से समझ गए हैं कि स्पष्टता से समझ गए हैं कि अगर आपको भाजपा के और मोदी के शासन में रहना है, जीना है, अपनी आवाज उठानी है, तो सबसे पहली शर्त है उसकी कि आप यातना झेलने के लिए तैयार रहिए। और आपको याद होगा मैंने कोर्ट के बाहर कहा था मैं नरेंद्र मोदी की यातना का पैमाना चेक करना चाहता हूं, मैंने कहा था। पर अभी 2 महीने बाद जब मतदान हो जाएगा, अभी से उनके जीत की घोषणा कर दी गई है, मान लीजिए जीत हो जाती है, तब क्या आपको लगता है कि विपक्ष डिमोरलाइज हो जाएगा या आपकी जो लड़ाई है उसकी ताकत खत्म हो जाएगी? पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि ये जीत जाएंगे, क्योंकि ये झूठे नारे गढ़ने में बहुत माहिर हैं। और अगर ये जीत रहे होते हैं तो आप भी इतने दिन से इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बड़ा सम्मान है पूरे देश और समाज में, लोग ये समझते हैं इस बात को कि कोई आदमी अगर जीतता रहता है तो अपने विपक्षी को जेल में डालने की कार्रवाई, बैंक खातों को सीज करने की कार्रवाई, ऐसी कार्रवाई कोई नहीं करता, ये हताशा की कार्रवाई है। सैचुरेशन पॉइंट पे थी बीजेपी, फिर भी अगर जीत रही नहीं, है मैं तो आपको, आपको लगता है कि आप लोग लंबी लड़ाई लड़ पाएंगे? मैं जैसे रवीश जी, ये क्या है कि ये एक धारणा गलत बनाई जा रही है, 400 पार। अरे आपने तो 200 पार कहा बंगाल में, क्या हुआ वहां? दिल्ली में आपने 45 पार कहा, 8 सीट आई। मेघालय में आपने 21 पार कहा, 1 सीट आई। हरियाणा में आपने 75 पार कहा, वहां पे 40 सीट आई। आपने महाराष्ट्र में कहा था 150 पार, तो आप तो नारा ऐसे ही देते रहते हैं, 150 पार, 200 पार, 300 पार, 400 पार। मैं तो जेल में एक नारा देने वाला था भाजपाइयों को कि उनको कहना चाहिए 600 पार, क्योंकि अखंड भारत से भी उनकी सीटें आ सकती हैं, कुछ पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका से भी उनकी, हाँ अफगानिस्तान से भी कुछ सीटें आ सकती हैं उनकी। आपको लगता है कि आपकी पार्टी बीजेपी आज बहुत ताकतवर पार्टी है? 8200 करोड़ तो उसे सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड से मिला है, इलेक्टोरल ट्रस्ट से भी कई 1000 करोड़ मिले हैं, इतनी ताकतवर एजेंसियां हैं, उससे आम आदमी पार्टी जैसी एक नई छोटी पार्टी लड़ पाएगी? देखिए शिवसेना भी लड़ाकुओं की पार्टी थी, बहुत लड़ने वाले उसके कार्यकर्ता थे, लेकिन देखते देखते ख़त्म हो गई वो। तो नहीं अगर लड़ पाएंगे लोग ना रवीश जी, तो ये आप निश्चित मान के चलिए कि तानाशाही का शासन तो फिर इस देश में चलेगा। 5 किलो राशन में खुश रहिए, क्या प्रॉब्लम है फिर? ना आपको नौकरी मिलेगी, ना आपको महंगाई से छुटकारा मिलेगा, ना आपको अग्निवीर योजना से छुटकारा मिलेगा। तो ये सब अगर बर्दाश्त करने के लिए इस देश के लोग तैयार हैं तो ये चलती रहेगी, और अगर इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे तो ये व्यवस्था बदलेगी। तो आप ये मानने के लिए तैयार नहीं, ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है जो चीजें आप गिना रहे हैं तानाशाही से संबंधित? मैं तो पार्लियामेंट में भी बोलता रहा, मणिपुर के मुद्दे पे बोला तो मुझे सस्पेंड करके बाहर कर दिया। पर आप कहते थे कि अडानी के खिलाफ बोल रहा हूँ इसलिए मुझे टारगेट किया जा रहा है। तो अडानी के खिलाफ बोला नहीं क्या रवीश जी? कोई एक भी चीज ऐसी रही हो जिसको मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या पार्लियामेंट में उठा के या पब्लिक के बीच में जब मीटिंग होती थी नहीं बोलता था क्या? और क्या गलत बोलता था क्या? 2.5 लाख करोड़ रुपए का लोन एक व्यक्ति को, रेल उसी को, सेल उसी को, कोल उसी को, स्टील उसी को, पानी उसी को, बिजली उसी को, कोयला उसी को, पूरा देश एक आदमी को, ये बोलना नहीं चाहिए? इस देश का आम आदमी 5 किलो राशन पे गुजारा करेगा? आज भारत पर कैपिटा इनकम के मामले में 142वें स्थान पे है, और कहते हैं पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था। अरे भैया आप पहली बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाइए, लेकिन उस अर्थव्यवस्था में हिस्सा किसका है? क्या आम आदमी के पर कैपिटा इनकम में आपने कोई सुधार किया? क्या उसकी आमदनी बढ़ी? आप पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था में चंद लोगों को चुन चुन के उनके नाम पूरा देश करते जा रहे हैं और बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं। 82 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन क्यों दे रहे हैं आप? अगर आप इतने शक्तिशाली आर्थिक रूप से आपने भारत को बना दिया है तो 82 करोड़ लोग इस देश में 5 किलो राशन पर जीने के लिए मजबूर क्यों हैं? और आपका मित्र जो है उसको तो आपने सब कुछ सौंप दिया भाई, रेल ले लो, सेल ले लो, कोल ले लो, बिजली ले लो, पानी ले लो। एक आखिरी सवाल है, आपकी पार्टी बनी रहेगी, टूटेगी नहीं?
बनी रहेगी। और मैं सबसे अपने कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि हौसले से रहिए, ये सब तो चलता रहता है। आपको तय करना है भाई कि आपका नाम किस रूप में दर्ज किया जाएगा, ये आपके अपने हाथ में है। ये आप अपनी पार्टी के बाकी लोगों को भी बोल रहे हैं, ये आपके अपने हाथ में है। तात्कालिक रूप से तो थोड़ी बहुत फायदा आपको हो सकता है, मैं मानता हूं, कभी आप मंत्री बन जाए, कभी आप कोई और सुविधा आपको मिल जाए, ये सब तात्कालिक रूप का फायदा तो हो सकता है। लेकिन जब आपके बच्चे जाएंगे लोगों के बीच में, या 50 साल के बाद भी याद किया जाएगा, तो याद किया जाएगा कि इसका बाप गद्दार था, कायर था या बहादुर था। आपने अपने अच्छा बच्चों को अच्छी लेगेसी दी। कोई पट्टा लिखा के तो आया नहीं इस धरती पे कि हमेशा हम ही को रहना है। एक ना एक दिन तो हर आदमी को जाना है, उसकी पूंजी क्या रहती है। तो संजय सिंह ये चाहते हैं कि वो हमेशा इसी तरह याद किए जाएं कि वो मोदी दौर में लड़ने वाले सांसद। हाँ बिल्कुल, मैं इसी तरह से मैं एकदम सोचता हूँ, इसको दिल से सोचता हूँ कि मुझे ये इसी तरह से याद किया जाए कि मैं बहादुरी के साथ इनके अत्याचार के खिलाफ लड़ता रहा। संजय सिंह, और हमारी पार्टी को भी इसी तरह से याद किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।